गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू एन एकेडमी। मेरा नाम है मयंक पांडे और स्वागत है आप सभी का इस कोर्स में जिसका नाम है वेरियस इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो देखिए आज हम चार इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें आपका एनसीईआरटी, नेपा, एनसीएचईआर और आईकार, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है चारों के बारे में जो है आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पहला लेसन है इस सीरीज का जिसका नाम है वेरियस इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। शुरुआत करने के पहले मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मेरा नाम मयंक पांडे है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ MITS ग्वालियर से। और ये देखिए मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे मैंने 20 से ज़्यादा कोर्सेज बनाए हैं, है ना, लगभग 200 से ज़्यादा लेसन्स। तो आप देखिए वहाँ जाके रेट कर सकते हैं, उन्हें रिव्यू कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अनअकैडमी प्लस की एक लिंक मिल जाएगी। तो एक नया कोर्स आ रहा है MPPSC का अनअकैडमी प्लस पे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और देखिए इन एग्जाम्स का रिटर्न मैंने जो है क्वालिफाई किया हुआ है। अब देखिए हम जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है आईकार। आईकार मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन रहा है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर है, तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर है और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना, तो ये भारत सरकार इसके अंदर ये काम करता है आईकार। इसे जो है पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई को की गई थी। ठीक है, 16 जुलाई 1929 को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह इसकी स्थापना की गई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860 के अधिनियम जो भी रूल्स थे उसके तहत एक सोसाइटी की तरह इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। और देखिए एक ये क्यों की गई थी, तो इसका कारण ये है कि एक रिपोर्ट आई थी, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था तो उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उसकी उसकी जो अनुशंसा थी उसके हिसाब से उसका अनुसरण करते हुए 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई। तब इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। ठीक है, बाद में जो है इसका नाम फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है आईकार का ये नई दिल्ली में है। और ये देखिए सर्वोच्च बॉडी है, किस फील्ड में, जो आपका एग्रीकल्चर में रिसर्च होती है तो उन्हें गाइड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो ये जो है एग्रीकल्चर के रिसर्च में और एजुकेशन में, एग्रीकल्चरल एजुकेशन में ये सर्वोच्च बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। ठीक है ना, और इसमें जो है एग्रीकल्चर वाले ये जो बॉडी है ये हॉर्टिकल्चर के लिए काम करती है, फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए, जो है एनिमल साइंसेस के लिए पूरे कंट्री भर में काम करती है। इसके आईकार के तहत, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत 71 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, 71, और 101 जो है आईकार इंस्टीट्यूशंस हैं, आईकार के कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट संस्थाएं जो हैं 101 है पूरे देश भर में। और ये दुनिया में मतलब कुछ बड़े, बहुत बड़े पैमाने पे गिना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इस तरह का दुनिया में कुछ बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, सिस्टम्स है, उनमें गिना जाता है इसे। इसका तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ आवर इकोनॉमी, है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो रहा है बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया गया इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। साथ ही साथ 1991 से लेकर के 2014 तक का डेटा है, उसमें देखिए इनका जो फूड ग्रेन था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो 5 गुना हो गया। फिर उसके अलावा देखिए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो था वो 9.5 गुना हो गया। फिर उसके अलावा दूध का जो प्रोडक्शन है ये 7.8 टाइम्स हो गया। और उसके अलावा अंडों का जो प्रोडक्शन है वो 39 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये आईकार की सब गाइडेंस में हुआ। ठीक है, तो याद रखना है ये सब बातें इसके बारे में। फिर देखिए अगला जो इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो है आपका एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। ये भी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका क्या काम है, तो इसका पर्पज ये है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है,
तो जो अपने पॉलिसी बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं एजुकेशन से संबंधित, तो उसमें ये असिस्ट करे और एडवाइस करे, ताकि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में जो है सुधार किया जा सके, उसका क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ठीक है ना, स्कूल एजुकेशन में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, वो क्या क्या आते हैं, तो यही सब की जो रिसर्च होगी उसको प्रमोट करेगा इस फील्ड से संबंधित, मतलब एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी रिसर्चेज हैं, तो इनको ये करता है और साथ ही साथ उन्हें प्रमोट करता है। और ये साथ ही साथ जो है मॉडल टेक्स्ट बुक वगैरह पब्लिश करता है, सप्लीमेंट्री मटेरियल निकालता है उन टेक्स्ट बुक्स के साथ, न्यूज़ लेटर्स निकालता है, अलग अलग जर्नल निकालता है, ये बॉडी निकालती है। और इसके अलावा देखिए ये मल्टीमीडिया कंटेंट और डिजिटल कंटेंट भी प्रिपेयर करती हैं, है ना, ये बॉडी इसी से संबंधित, स्कूल एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो टीचर्स होते हैं तो उनको प्रशिक्षण भी प्रदान करती है, तो इनके नियुक्ति के पहले की भी ट्रेनिंग दी जाती है एनसीईआरटी द्वारा, साथ ही साथ जब नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद जैसे कोई इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ अपडेट किया गया है, तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसके अलावा देखिए जो राज्य के अलग अलग राज्यों के जो शिक्षा विभाग होते हैं ना, तो उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करता है, ताकि एक जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मेंटेन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखना है, स्थापना कब हुई थी और इसके अलावा इसका पर्पस क्या है, लिखने को आएगा आपका 6 नंबर में या 3 नंबर में, तो आप बहुत बढ़िया आंसर जो है लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो है एनसीएचईआर। तो देखिए एनसीएचईआर जो है ये भारत देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऐसा हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है जो कि फाइनेंस ट्रेड एसोसिएशन है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो उनको ये असिस्ट करता है, ठीक है। कैसे असिस्ट करता है कि ये जो है उन्हें प्राइवेट लोन्स और फेडरल, मतलब जो आपका सरकारी लोन है, तो वो स्टूडेंट्स को दिलवाने में मदद करता है। साथ ही साथ जो इसके मेंबर्स होते हैं इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के एनसीएचईआर के, तो ये जो है जिसमें आपके आपका खुद प्रशासन आ जाता है, आपके फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, हायर एजुकेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे मेंबर्स होते हैं। और ये जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो कि इसको स्टूडेंट लोन को, मतलब स्टूडेंट लोन जो दिया जाएगा उसके लिए जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट लोन या प्राइवेट लोन, तो उस उनको फॉर्मुलेट करने में ये मेंबर्स जो है अपना इनपुट देते हैं, और उनकी अनुशंसा के अनुसरण में जो है उस तरह की फिर पॉलिसीज को बनाया जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए इसके मेंबर्स जो है वही पब्लिक पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते ही हैं, और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव स्पीयर दोनों में जो है एडवाइस देते हैं। इसके अलावा देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1967 में, और 2014 में जो है इसका जो मिशन था, इसका जो काम है उसे रिवाइज कर दिया गया है। अब इसका काम ये है कि जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, है ना, जैसे कि आपका स्टेट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, तो उन्हें इतना एम्पावर किया जाए या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए जिससे वो अलग अलग परिवारों की, विद्यार्थियों की मदद कर सकें, ठीक है, और इस तरह की मदद कर सकें कि वो अपना खुद का लोन जो है, मतलब जो अपना लोन लें या जो भी करें एजुकेशन लें, तो उसके लिए पे कर पाएँ, ठीक है, अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड को डेवलप कर पाएँ, और साथ ही साथ जो है इतने क्वालिफाइड हो जाएं, इतने स्किल्ड हो जाएं कि उन्हें जो है उनके एजुकेशन के हिसाब से रिवॉर्डिंग वर्क मिल जाए, उनका जो जो उनके क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उन्हें काम मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली 2014 में ये बोला गया कि इनके मेंबर्स की कैपेबिलिटी हम इंक्रीज करेंगे जिससे वो अपने, जिससे वो लोगों को मदद कर सकें, स्टूडेंट्स को मदद कर सकें, और वो स्टूडेंट्स खुद अपना लोन पे कर सके और एक रिवॉर्डिंग जॉब जो है वो ले सके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनसीएचईआर। फिर उसके बाद नेशनल, एनसीएचईआर का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसोर्सेज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखिए अगला जो है वो है नेईपा। तो नेईपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। क्या है, तो ये एक देखिए रिसर्च पे फोकस एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, रिसर्च फोकस, अनुसंधान पे जो है इसका मेन फोकस है, और ये नई दिल्ली में है। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री होती है इसके द्वारा स्थापित की गई थी, और ये 1962 में स्थापित की गई थी, ठीक है। जब ये स्थापित की गई थी 1962 में, तो ये यूनेस्को का एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स, है ना, इस नाम से स्थापना की गई थी।
है ना, पूरा इसका नाम है एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, इस नाम से 1962 में स्थापना की गई इसकी। बाद में जो ये है ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गई। फिर उसके बाद देखिए 1979 में जो है फिर से इसका नाम चेंज किया गया और इसका फिर से पूरा फंक्शन जो है उसे चेंज किए गए और इसका नाम रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और 2006 में, ठीक है, 2006 में कि इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है 2006 में दे दिया गया था। इसमें देखिए 8 अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट हैं एजुकेशनल, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, और इसमें 2 ऐसे केंद्र हैं जो कि बेटर गवर्नेंस और मैनेजमेंट से डील करते हैं, ठीक है। तो नेईपा जो है आपका 1962 में स्थापित किया गया था, लेकिन तब ये यूनेस्को के एक सेंटर की तरह स्थापित किया गया था जो था एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स के नाम से। बाद में ये AIPA बन गया 1979 में और बाद में फिर नेईपा को जो है 2006 में डीम टू यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है ना। याद रखना है सारी बातें, सारी की सारी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। 4 आपकी बॉडीज जो हैं आज डिस्कस हो गई, तो कब स्थापना हुई, क्या फंक्शन है, क्या पर्पज है और इनका स्थापना कब हुई, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। और कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आप उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा कि NCERT की करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है। NCERT इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ NCERT, तो ये आप जो है इसका आंसर नीचे बताइए, ठीक। तो हो गया आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड एट अनअकैडमी फॉर मोर सच वीडियोज़।